नमस्कार, मैं हूं परिधि और आपका स्वागत है खबरों की खबर में। 19 अगस्त को तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दी। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन खास प्रदर्शन नहीं रहा। आज बात खबरों की खबर में इस फिल्म के बारे में। बता दें, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन अभी सिनेमाघरों में धीमी रफ्तार के साथ चल रही है। दर्शकों के पास देखने के लिए पहली चॉइस इन दोनों बड़े सितारों की फिल्म है। यही वजह है कि दोबारा के लिए अभी माहौल नहीं बन पाया है। 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म दोबारा पहले दिन करीब 35 लाख की कमाई की। फिल्म क्रिटिक्स ने दोबारा को लेकर अच्छे रिव्यूज दिए हैं और स्क्रीनिंग में भी इस फिल्म को काफी पसंद किया गया, लेकिन ओपनिंग डे पर ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आई। दोबारा एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें टाइम लूप का भी कुछ ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने लोगों से अपनी फिल्म का बॉयकॉट करने को कहा। हालांकि उनकी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर इतना गुस्सा देखने को नहीं मिल रहा है। रिलीज से पहले तापसी पन्नू ने बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर बयान दिया था कि उनकी फिल्म का भी बॉयकॉट हो। दरअसल तापसी पन्नू स्टारर फिल्म दोबारा रिलीज से सिर्फ एक दिन बाद ही पायरेसी करने वालों का शिकार हो गई है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार 19 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म 20 अगस्त को ऑनलाइन लीक हो गई है। अनुराग कश्यप निर्देशित ये फिल्म बहुत सी पायरेटेड वेबसाइट पर रिलीज हो चुकी है। तमिल रॉकर्स, मूवी रूल, जोक्स और टेलीग्राम पर भी लीक हो चुकी है। इस खबर के सामने आते ही फिल्म के फैंस और उनके साथ ही मेकर्स को भी झटका लगा है, क्योंकि लीक होने का सीधा असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ेगा। दोबारा की मात्र 2-3% ऑक्यूपेंसी के चलते कई थिएटर्स ने भी शो कैंसिल किए हैं। ऐसे में मात्र 275 से 300 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म के लिए कोई खास उम्मीद नहीं बचती है। तो ये थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की रहती है हर खबर पर नजर।